हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिटेल ट्रेड है, उसमें जो लार्ज स्केल थे ना, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। उसके अंदर आने वाले लार्ज स्केल जो शॉप्स होती हैं, बिजनेसेस होते हैं रिटेल में, उसमें सबसे पहले है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? सो अंडर दिस सिस्टम अ सिंगल शॉप कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स और डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट सेल्स सम पर्टिकुलर थिंग्स। इन दिस वे अ कस्टमर नीड्स आर मेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। They do not have to go to other shops. The management of these department is in the hand of a single person or organization. एक ही दुकान पे अलग अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं, और बहुत बड़ी दुकान होती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स के लिए अलग, जैसे ग्रॉसरीज के लिए अलग, जैसे शूज़ के लिए अलग, जैसे गारमेंट्स के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बना दिए जाते हैं, ताकि सारा सामान एक व्यक्ति को वहीं से मिल जाए, उसको अलग अलग शॉप्स में ना जाना पड़े। फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर के? डिपार्टमेंटल स्टोर का सबसे पहला फीचर है, देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन देम, दे आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज, द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मैनी फ्री सर्विसेज, देयर आर स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंट सेलमैन एंड मैनेजर्स। ठीक है जी, उनके हर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपको सिलेक्शन करने में कि कौन सा सामान आपको ठीक रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है डिपार्टमेंट स्टोर की। लोकेशन वेयर द कंज्यूमर्स कैन रीच इजली, डेफिनेटली, नो डाउट। फैसिलिटी क्या है? रेस्ट रूम्स होते हैं, कैंटीन्स होती हैं, ट्राई एंड या चेंजिंग रूम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेकोरेशन, स्पेशली अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेशंस। ओके, परचेज एंड सेल्स ऑफ प्रोसीजर, All the purchases and sales are made through proper procedure. उसके बाद appointment of employees, specialized persons for each departments are recruited. उसके बाद क्या बच्चों, advantages क्या हैं departmental store के? बच्चों, departmental store के जो advantages हैं, वो सबसे पहले economy in large scale production, क्योंकि वो बहुत large quantity में सामान खरीदते हैं, इसलिए उनको सस्ता पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेंट्रल लोकेशन होती है, ठीक है, वो कोई रिमोट एरियाज में नहीं होते, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, जहाँ कस्टमर इजीली पहुँच सकता है और उनको इजीली ढूंढा जा सकता है ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स को। इजी एडवर्टीजमेंट होती है, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, शॉपिंग फैसिलिटी, सर्विस एलिमेंट होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, और नो फियर ऑफ चीटिंग। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहला है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, अवे फ्रॉम ऑर्डनरी कस्टमर्स, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और साथ में बच्चे ये क्या होता है, कॉस्टली गुड्स, ये गुड्स कॉस्टली होती है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये उनकी मर्जी है कि किस तरीके के लोगों को अंदर आने दें या नहीं आने दें। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं सुपर बाजार या सुपर मार्केट क्या होती हैं। सुपर बाजार इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पहला सुपर, दूसरा बाजार। सुपर मीन्स बेस्ट, द बाजार मीन्स अ प्लेस फॉर ट्रेडिंग, सो इन दिस वे सुपर बाजार इज दैट प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज बेटर एंड बिगर देन द ऑर्डनरी बिजनेस प्लेसेस एंड विच हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन। पहला क्या है बच्चों, थिंग्स ऑफ डेली यूज आर सोल्ड हेयर। उसके बाद है सेल्फ सर्विस काउंटर्स होते हैं, सेल्स आर इन कैश एंड चॉइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और रेट्स आर कंपैरेटिवली लो होते हैं। इनके बच्चों एडवांटेजेस क्या हैं सुपर बाजार के? सुपर बाजार का फर्स्ट एडवांटेजेस है, देयर आर मोर वॉल्यूम ऑफ सेल ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इट हैज़ ए ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस। तीसरा, ऑनर हैज़ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चौथा, इट इज़ ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। और उसके बाद पांचवा, मैक्सिमम सेल्स आर ऑन कैश। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर बाजार। सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं सुपर बाजार के? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कैपिटल गुड्स,
देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन, इसमें कोई कंसल्टेशन आपको नहीं मिलती, आपको अपना जो सामान चाहिए वो मिल जाएगा, एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट। ओके बच्चा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस कौन सा है, वो है मॉल्स का। सो अ मॉल मीन्स अ काइंड ऑफ शॉपिंग कम्प्लेक्स वेयर वेरिड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ। इन वन और मैनी बिल्डिंग्स देर आर मैनी स्टोर्स शॉप्स एंड दे आर कनेक्टेड टू वन अदर अनदर सो दैट द कस्टमर्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर। ठीक है बच्चों, सो इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला फीचर है मॉल्स का कि बिग साइज रिटेल शॉप्स होती हैं, मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं, सेंट्रली लोकेटेड है, न्यूमरस प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। और बच्चों इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी सिलेक्शन, ईजी शॉपिंग, कैश सेल एंड मल्टीपल सर्विसेज। ओके जी, एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनके मॉल्स के? कि इनके रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस यहाँ हाई होते हैं, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, डिफिकल्ट इन रनिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स ढांचा होने की वजह से इनको चलाना बहुत मुश्किल होता है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस प्लेस, और इसको बहुत लार्ज स्पेस चाहिए होती है, इसलिए वो दूर दराज एरिया में होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चेन स्टोर्स की तरफ। तो बच्चों चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स हम किसको बोलते हैं? अंडर दिस सिस्टम देयर आर न्यूमरस शॉप्स सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, दीज शॉप्स कैन बी सिचुएटेड एट वेरियस प्लेस इन सिटी, सिटी के या बहुत जगह पे ये होते हैं। दीज थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे ये मैन्युफैक्चर होती हैं, एंड द मैन्युफैक्चरर ओपन हिज ओन रिटेल शॉप्स, और दुकानदार क्या और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपनी अलग अलग जगह पे दुकानें खोल लेता है इन ऑर्डर टू इलिमिनेट मिडलमैन, ताकि मिडलमैन को इलिमिनेट किया जा सके। देयर इज ए पैरिटी इन प्राइसेस टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड द शॉप इज वेल डेकोरेटेड। प्राइस की समानता होती है हर शहर में, या एक शहर में अगर चार चार स्टोर्स भी हैं, रिटेल शॉप्स भी उनकी अपनी हैं, तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर जगह प्राइस सेम रखते हैं। देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी इवन इन डेकोरेशन ऑफ ऑल द शॉप्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी बाटा। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो मेन है वो है बाटा। तो बच्चों फीचर्स क्या हैं चेन स्टोर के? सबसे पहला द थिंग्स सोल्ड आर एट ऑल द प्लेसेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, द ओनर ऑफ ऑल द शॉप इज एन इंडिविजुअल या फर्म होती है, सेल्स ज़्यादातर या कैश भी ही होती हैं, उधार नहीं करते ये लोग, कंज्यूमर गुड्स आर सोल्ड, कंज्यूमर गुड्स ही बेची जाती हैं, दीज शॉप्स हैव लार्ज एरिया, और इनका बहुत लार्ज एरिया इनको चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे इसके बाद चर्चा करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं चेन स्टोर के। तो चेन स्टोर का जो एडवांटेज सबसे पहला है कि फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस होता है, और उसके बाद एंड ऑफ मिडलमैन, इसमें मिडलमैन की ज़रूरत नहीं रहती। तीसरा कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट, चौथा इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्केल एंड गुडविल इन पब्लिक, और पब्लिक में इनकी गुडविल बनती है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस चेन स्टोर के। बच्चों इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, नो क्रेडिट फैसिलिटी, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, हैवी लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, और लैक ऑफ पर्सनल रिलेशंस। इसमें ऐसा पर्सनल रिलेशन कोई नहीं होता, ठीक है, आपको सामान चाहिए पैसा दीजिए सामान लीजिए। ओके बच्चे, चलिए अब हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मेल ऑर्डर बिजनेस। ये भी लार्ज रिटेल हाउस की में ही आएगा। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट पर्टिकुलर प्लेस एंड आर बीइंग एडवर्टाइज्ड, और उनकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। द कंज्यूमर्स कैन डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर थ्रू मेल वाइल रिसीविंग गुड्स, द पेमेंट इज मेड एट द पोस्टल डिपार्टमेंट, सेल परचेज इंक्लूडिंग द पेमेंट इज डन थ्रू मेल, वो मेल के जरिए ही होता है। ठीक है जी, फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस क्या? ट्रेडिंग बाय पोस्ट, कैश ट्रेडिंग होती है। ठीक है जी, इसके फीचर्स में आता है ये। और उसके बाद बच्चे ट्रेड विदाउट शॉप, इसमें शॉप रखने की जरूरत नहीं, आपके पास सामान अवेलेबल होना चाहिए, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, वाइड मार्केट। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ओरिजिन क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस का? ये ओरिजिनेट हुआ है यूएसए में। ठीक है बच्चों, और उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले मेलिंग लिस्ट बनाई जाती है, फिर उसकी रेगुलर एडवर्टीजमेंट होती है, और फिर ऑर्डर मिलते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होता है, और पैसा मिलता है आपको, पेमेंट मिल जाती है लास्ट में। बच्चों इसके एडवांटेजेस क्या हैं सेल ऑर्डर बिजनेस के कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें?
तो सबसे पहले है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स, जो इजीली अवेलेबल नहीं है वो आप वहाँ से मंगा सकते हो जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही हैं। चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, सेविंग ऑफ टाइम है, एंड प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल। आप दो या तीन जगह से प्राइस कंपेयर करके जहाँ का प्राइस आपको सस्ता मिले लगे वहाँ आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है जी। तो एडवांटेजेस टू सेलर्स के हैं बच्चों, तो इसमें लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई शॉप के एक्सपेंसेस नहीं है, खर्चा नहीं, क्योंकि शॉप ही नहीं तो एक्सपेंसेस किस बेस के, कोई शोरूम तो बनाना नहीं हमें। क्विक पेमेंट होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, कोई इसलिए मिडलमैन नहीं है, एंड नो नीड ऑफ गोडाउन। सामान बना के रखने की भी जरूरत नहीं है, जब ऑर्डर आए आप बनाइए और डिलीवर कीजिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं बच्चों मेल ऑर्डर बिजनेस के, सबसे पहले लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, उधार नहीं होता, एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है, फ्रॉड भी हो सकता है कि कोई सामान मंगा ले और पैसा ना दे, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। नो क्विक डिलीवरी और डिले इन डिलीवरी, ठीक है, और इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइसेस वो अपने बढ़ा भी सकते हैं ये बच्चों। आगे सिक्स्थ है जो लार्ज स्केल बिजनेस रिटेल में, वो है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। सो बच्चों दीज स्टोर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द कंज्यूमर्स देमसेल्व्स, दीज स्टोर्स आर ओपन टू एलिमिनेट मिडलमैन, द कंज्यूमर देमसेल्व बाय लार्ज क्वांटिटी एंड बार्गेन विद स्मॉल विद द प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स, एंड देन सेल अमंग देमसेल्व्स एट चीपर रेट्स, और फिर वो आपस में ही वो उसको एक बेच लेते हैं, एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बाइंग। मतलब कुछ कंज्यूमर इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बना ली और इकट्ठा सामान खरीद के आपस में बांट लिया और जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर कर लिया, ठीक है। यही तो आपको पता है कोऑपरेटिव की डेफिनेशन है। टू बाय गुड्स द कस्टमर हैव बिकम द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बाय फुलफिलिंग फॉर्मेलिटीज, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है फीचर्स क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बच्चों। इसका पहला फीचर है इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड रन बाय कंज्यूमर्स, इट इज एस्टैब्लिश्ड टू एलिमिनेट मिडलमैन, सेल्स आर ओनली इन कैश, ओके। अ मेंबर कैन लीव हिज मेंबरशिप एनी टाइम, मेंबरशिप कैन बी एक्वायर्ड एनी टाइम। एडवांटेजेस क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के, तो पहला एग्जांपल है द कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लिस्ट प्राइस, ओके बच्चे। दूसरा कैश सेल्स ओनली, तीसरा एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, चौथा नो एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, और पांचवा क्या है बच्चे इसका कोऑपरेटिव का एडवांटेज, देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ द सेल्स। डेफिनेटली हमने उतने मेंबर्स के लिए ही सामान मंगाया है जितने हमारे मेंबर्स हैं, और वो एक दूसरे के साथ हम बांट लेंगे सामान, बेच लेंगे, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान या नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सामान खरीदते भी नहीं हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर्स में। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के, लॉस हैज़ टू बी फेस्ड व्हेन द मार्केट इज डल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिज्म, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेशलिटी, लॉस ऑफ कैपिटल ड्यू टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय लिविंग और आउटगोइंग मेंबर, जो मेंबर्स चले जाते हैं तो उनकी कैपिटल भी कम हो जाती है, ठीक है, तो जिसका नुकसान बाकी मेंबर्स को होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।